हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्माती दिख रही है, जिसकी मुख्य वजह मंत्रिमंडल का विस्तार है। प्रदेश के कुल 12 में से 2 सीटों में मंत्रिमंडल अभी भी खाली चल रही है और ऐसा चर्चा हो रही है कि 2 और मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है, यानी कि अब हिमाचल विधानसभा में 4 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यह तो तय है कि 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और यह जल्द इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चंबा जिला के गलियारों में भी काफी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चंबा जिला की 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इन चारों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना बनी हुई है। जब जयराम सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय भटियात विधानसभा क्षेत्र के विक्रम सिंह जरियाल का नाम काफी सुर्खियों में रहा था। यही वजह है कि अब लोगों को उम्मीद है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में विक्रम सिंह जरियाल को जगह मिल सकती है। लोकसभा चुनावों के दौरान जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस विधानसभा क्षेत्र के परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसे सौगत मिल सकती है। और पूरे देश में अगर बात करें वोट प्रतिशत की, तो विधानसभा क्षेत्र का भटियात का वोट प्रतिशत जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा बताया जा रहा था। यही वजह है कि अब लोगों को उम्मीद जगी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में चंबा जिला के किसी विधायक को जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल ने बताया कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है और वह उम्मीद करते हैं कि चंबा जिला के किसी एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चाहे किसी को भी शामिल किया जाए, उन्हें बहुत खुशी होगी। जैसा कि अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अपने जयराम जी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो जो अखबारों से हमें पता चलता है कि जिसमें बाकी कांगड़ा मंडी के तो नाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन चंबा का नाम उसमें शुमार नहीं है। एक बड़ी अफसोस की बात है। इससे चंबा के लोग अपने आप को एक बड़े मायूस से समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी बीजेपी आती है तो चंबा को इग्नोर करती है। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो चंबा के 2-2 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज अफसोस की बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें कोई भी चंबा के लिए मंत्री पद का कोई भी वो नहीं दिया जा रहा है। एक छोटी सी एक दूंब लगा दी हुई है उपाध्यक्ष की, वो तो कुछ उसके कहने के बराबर भी नहीं है। लेकिन इसमें चंबा के लोगों में बड़ा भारी रोष है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि ये चंबा बड़ा है हिमाचल में नया, तो चंबा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसके लिए निराशा थी, क्योंकि चंबा शुरू से ही हिमाचल को लीड करता रहा। बहुत बड़े बड़े मंत्री, अच्छे मंत्री, चाहे वो कांग्रेस के थे या भाजपा के थे, चंबा से निकले हैं। उन्होंने अपना नाम कमाया है प्रदेश में, देश में नाम कमाया है, लेकिन इस बार चंबा की जोड़ी जो है वो खाली रह गई। तो हम चाहते हैं कि अभी जो शोक बुखार शुरू है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं, पार्टी प्रेसिडेंट से बातचीत चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। अब उसमें देखते हैं चंबा के हिस्से में क्या आता है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि भाई चंबा को प्रतिनिधित्व जो है वो मिलना चाहिए। बताइए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे चंबा के लिए, हम चाहते हैं कि अच्छा हमारा कैबिनेट में हमारा मंत्री आए और हमारे चंबा को अच्छा विभाग मिले, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से हमारी उम्मीदें हैं। इसलिए हमारे को पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा चंबा जो है वो विकसित होगा, हमें पूरी उम्मीद है। कैबिनेट मिलने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चंबा से अशोक आर्य की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।